बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं। आज मैं अपने सेंटर में मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं वीकेंड चल रहा है, तो आज आपको दिखाते हैं कि हमारा शहर वीकेंड कैसे गुजारता है। तो चलते हैं सेंटर में। ये जो आप रोशनी देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि दिन है, ये दिन नहीं है। एक्चुअली अभी रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं, लेकिन अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, मैंने लास्ट वीडियो में स्पेशल मैंने इसी चीज़ पे बनाई थी कि यहाँ पे समर में अंधेरा नहीं होता। ये जो स्ट्रीट है, ये मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि ये हमारे सिटी की सबसे बिजीएस्ट स्ट्रीट है, लेकिन तब कोरोना की सिचुएशन अरूज पर थी और ये बिल्कुल खाली थी। अभी भी ये वैसे फुल नहीं जैसे रूटीन में होती है, लेकिन जब से ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता अभी लोग जो हैं वो बाहर आना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आज के टेम्परेचर की मैं बात करूं तो टेम्परेचर आज चल रहा है +20 और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो जनाब अभी गुजरे हैं, ही वॉज drunk and out of his senses। अभी भी ये कुछ रेस्टोरेंट्स आप देख सकते हैं, ये खाली हैं क्योंकि अभी भी लोग जो हैं वो प्रॉपर नहीं बाहर आ रहे, लेकिन सिचुएशन काफ़ी पहले से बेहतर हो चुकी है, पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। आज अभी वीकेंड है तो आज ये सारी रात ऐसे ही गुजरेगी। जो मोस्टली रेस्टोरेंट्स हैं वो भी सुबह 5 बजे तक ओपन रहेंगे और 5 से ऑनवर्ड फिर लोग जो हैं वो घरों को जाना शुरू कर देते हैं। ये जो रोशनी आपको नज़र आ रही है, ये रोशनी ऐसे ही रहेगी सारी रात, बस थोड़ी देर के लिए सूरज जो है वो बस नज़रों से ओझल हो जाएगा, रोशनी ऐसे ही रहेगी, बस धूप नहीं होगी। अभी तो आप हो सकता है ये बिल्डिंग के ऊपर देख रहे हैं कि धूप भी मौजूद है, लेकिन बाद में फिर ये ख़त्म हो जाएगी और घंटे डेढ़ तक ये ख़त्म होगी और उसके बाद फिर जो सूरज है वो बाहर आ जाएगा, सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो है कंसर्ट वगैरह होते हैं जब हमारे सिटी के, लेकिन अभी वैसे तो समर जो है वो आइडियल टाइम है,
उनके लिए, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि फिर अभी तक अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ये भाई साहब जो है ये मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मांगना बैगिंग जो है वो अलाउ नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए फिर लोग अपना कोई ना कोई कर्तव्य दिखा के या कोई टैलेंट दिखा के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और फिर लोग उनको उनके टैलेंट के अगेंस्ट अगर वो उससे महजूज हों तो फिर उनको सपोर्ट करते हैं। अभी मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो बरवक्त मिले। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जल्द ही इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।